उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लक्ष्यात पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को ही कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। इसमें अगर जबरन आप धर्म परिवर्तन कराएंगे, जबरदस्ती धर्मांतरण कराएंगे, 10 साल की सजा है। और शादी से पहले अगर आप मोहब्बत की शादी कर रहे हैं, करिए, उसमें कोई अतराज नहीं, लेकिन आप जिलाधिकारी को सूचित करेंगे, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। और अगर उसके बाद भी कोई बात इस तरह की निकल कर आती है कि आपने षड्यंत्र के तहत किया था किसी की जिंदगी खराब करने के लिए, तब भी आपको सजा मिलेगी, तब भी आपको कड़ी सजा झेलना पड़ेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लक्ष्यात पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। अभी इसको एकदम से याद आ गया है, मेरे बच्चे से मेरे को डिनाई किया हुआ है। मेरा 7 साल का बच्चा है, 4 महीने पहले मेरे बिना नहीं रह सकता था, अभी 4 महीने से वो मेरे को बोलता है कि मम्मी तुम्हारे घर में ना शैतान रहते हैं क्योंकि तुम पूजा करते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ उधर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 1 साल से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर वहीं SC ST समुदाय की नाबालिग और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो यह जुर्माना 25,000 तक का होगा और सजा 3 से 10 साल तक की होगी। वहीं योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा कहते हैं कि यूपी में अब ये नहीं चलेगा, मिशन की तरह लड़कियों को बहलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाए। ये उन जिहादियों को कड़ा संदेश है जो इसकी आड़ में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल में डालने का पूरा प्रावधान है। मुझे लगता है कि शायद लव तो उनके पास है ही नहीं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी जिहाद की दिखाई देती थी, तो इसलिए ये धर्मांतरण जो हो रहा था ये उसका ही एक, हमने देखा कि उसी का एक पार्ट है कि धर्मांतरण अगर कहा जाए। लव जिहाद ये आया बाहर से ही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी जिस साजिश का खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया। अभी आपने देखा कम से कम 11-12 केसेस ऐसे आए जिनमें लड़कों ने, एक ही ग्रुप के लड़के हैं 4-5-6, और वो नाम बदल बदल कर लड़कियों को पहला फुसला कर अपने जाल में फंसा कर शादी करते हैं, उसके बाद फिर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं जबरदस्ती। तो ऐसे लोगों के लिए ये कानून लाना बहुत ज़रूरी था, और इसके पीछे बहुत बड़ी और जो साजिश है उसका भी खुलासा होगा, और जो लोग भी हैं उनकी दुकानें बंद होंगी। उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलने वाला। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात सबसे पहले CM योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधानों वाला कानून लेकर के आएगी और ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सती ही होगा। उनके इस ऐलान के साथ ही BJP शासित अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांगें उठने लगी। मध्य प्रदेश ने भी लव जिहाद को लेकर बिल लाने की बात कही। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगले विधानसभा सत्र लव जिहाद को लेकर विधेयक लाया जा रहा है। लव जिहाद पर 5 साल कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि वो राज्य में लव जिहाद रोकने के लिए कानून लेकर के आएंगे।